ये रवि का न्यू गेटअप। मम्मी ये देख तो कैसा साइन है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? चलो चलो दिखाओ। तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है हमारी प्याज की खुदाई। तो वो भी बादल फिर से लगने लग गए हैं, ये देखो खतरनाक बादल आ रहे हैं। चलो फिर इम्मू भैया मिलते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जस्ट गुड मॉर्निंग हुई है, अभी नहीं टाइम हो चुका है। मैं जैसा गया था अभी थोड़ी देर पहले बगीचे में पत्ती वगैरह तोड़ने के लिए, तो अभी मुझे जाना है खेत में। ये जो है हमारे तिरपाल वगैरह, इसको लेके जो हमारे गेहूँ है खेत में, उन सबको आज मस्त धूप में डालेंगे ताकि अच्छे से सूख जाएंगे, तो मशीन में भी आसानी से फिर कूटने के लिए सही हो जाएगा। क्योंकि गीले गेहूँ में, जब गेहूँ हल्के फुल्के कच्चे होते हैं या गीले टाइप के होते हैं, तो अच्छे से नहीं कूटे जाते हो मशीन में। तो अगर सूखे रहेंगे तो मशीन में भी अच्छे से रहेगा और हमारा काम भी अच्छे से होगा। मुझे एक ये और एक ये वाला, ये दो ले आते हैं, देखते इतने से हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर इसको भी निकालना पड़ेगा। चाची तो पहले चली गई थी खेत पर, तो अभी मैं जा रहा हूँ ये तिरपाल वगैरह लेके, टाट वगैरह लेके, जो भी है। वाह यार चाची, कितने मस्त तरीके से सुखाया तुमने। मैं तो ऐसे सुखाया था, मैं ऐसे फेंक देता इसके ऊपर सब। हाँ सच्ची। तो दोस्तों अभी काम कंप्लीट हो चुका है गेहूं सुखाने का, अभी मैं फिर से पहुंच चुका हूं घर। इधर भी हमारे गेहूं थे बट ये तो सूख गए हैं लगभग लगभग। अगर हमसे कहा जाएगा इनको भी सुखाना है तो फिर इनको भी सुखाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे चल रही है हमारी प्याज की खुदाई। ये हमारे घर की ऑर्गेनिक प्याज। तो मम्मी मेरी ज्यादा बोलती नहीं है ब्लॉग में, बस काम ही करती रहती है। नहीं हरिया ज्यादा है बार एक को छो, ये लोग छुए क्यों, ये एक निकाले छो, इधर को छो पूरा। अच्छा आधा एक इधर इकट्ठा कर रखा है। वाह यार। तो प्याज को करीब करीब 5-6 महीने हो गए हैं, उसके बाद निकल रहे हैं। अब इस खेत में दोबारा अब इमें क्यों उगन मम्मी खुशहर ने, अब इसमें मिर्ची लगाएंगे, इसमें इसमें और ये इस, ये है लहसुन का खेत, ये भी निकलेगा। और ये है हमारे मक्के का खेत, ये देखो मक्के की फसल।
एक खेत यहाँ पे, एक खेत घर के पीछे, इधर पे मेरे बुबू ने खाना खा के मस्त साफ सफाई चल रही है अभी। तो ये देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला है। मम्मी का क्यों नहीं बता तो ना ना, यो यो गन काफो को नहीं गए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जंगली स्ट्रॉबेरी, ये जंगली स्ट्रॉबेरी बोलते हैं इसको। गन काफो को नहीं गया, पहली बार बचपन में हम लोग गन काफो सुन रहे तो हमें अलग गन काफो को हल्का मीठा मीठा सा होता है। तो आज यहाँ पे हमने तीनों कंटर बाहर पे रखे हैं तेल इकट्ठा करने के लिए, ये तीनों खाली हो गए हैं। तो इन्हें साफ़ करने के बाद ही बाद में रीयूज़ हो जाएंगे दाल वगैरह रखने के लिए, कुछ भी घर के सामान, दाल वाल मसाले वगैरह रखने के लिए। तो गाइस अभी दिन के बजे करीब 12:30 और अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। लव यू जयंत। मनु तो गया नहीं है क्योंकि मनु की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई है इस वजह से। वो फोरकास्ट से पता चला है कि मौसम शाम को बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, हवाएं चलने वाली है कल की तरह। हगो मम्मी बस कर, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो अब। तो इतने सारे प्याज इकट्ठे हुए यहाँ पे खेत से निकाल के, अभी फटाफट से बच्चों को ले आते हैं पहले, और फिर इसके बाद शाम को और भी काम बढ़ने वाला है हमारा। जो खेत में हमने गेहूँ इतने सारे फैलाए हुए हैं उनको भी इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है इस वजह से। तो बच्चों को लेके आएंगे, खाना नमाज खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं खेत में कब तक चलते हैं। और बाकी तो यहाँ पे इकट्ठे हैं ही, यहाँ पे यहाँ की टेंशन नहीं है, खेत की टेंशन है सबसे ज़्यादा। ओके। तो वो भी बादल फिर से लगने लग गए हैं, ये देखो खतरनाक बादल आ रहे हैं। तो आज मैं सही टाइम पे आ गया हूँ, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ रहा है और छुट्टी भी हो गई है। आ जाओ मेरे वीरो, कैसा गया आज का दिन? अच्छा, अच्छा। मतलब तूने रैपर यहाँ पे क्या समझ के फेंका, क्या समझ के फेंका तूने यहाँ पे? घर पे आ रहे हैं, मेरा सब्जी से उधर डस्टबिन नहीं, उधर तो चले। हाँ चलो। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं घर, स्कूटी मैंने बंद कर दी है, ढक दी है। दोनों यहाँ पे गेट लगा रहे हैं, लग गया, चल आ जा नीचे से आ। शाबाश, आ जा, चलो बोतल पकड़, चलो।
तो मौसम अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, काले बादल आने लग गए पीछे से। जल्दी चलो यार, खाना वाना खाओ फिर करते हैं। तो लवी ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है अभी स्कूल से आके। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। इसको पकड़े यहाँ से, इसके यहाँ से पकड़े ऐसे करके, हाँ ऐसे करके, ऐसे अच्छा लग रहा है, रुक जा ऐसे, इसको जान दे पीछे से। ये लवी का न्यू गेटअप। मम्मी ये देख तो कैसा सा इन्यो। चलो चलो दिखाओ, दिखाओ भ्रमण करो, अब घर का भ्रमण करो, जल्दी जल्दी चल। चल नहीं पा रहा क्या? इधर देख तो, चल नहीं पा रहा। अरे क्या कर रहे हैं? उसकी साड़ी वो पहन रहा है। ए उतर, फोल्ड करो, चलो फोल्ड करो, अब नहीं खुलता, मैंने यहाँ पे कार्ड पैड रखी है, अब नहीं खुलेगा वो। तो दोस्तों अभी खाना वाना मस्त खा के अभी हम जा रहे थे वहाँ से खेत में गेहूँ इकट्ठे करने के लिए, जो सुबह हमने बिखराए हुए थे उनको फिर से इकट्ठा करना है, क्योंकि मौसम दिखाते, मौसम मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बादल देख रहे हो पीछे से, मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है हमारे घर के पीछे साइड से। ये हमारा घर है, ऊपर देखो मौसम इस साइड को। ओके हो गया सब। हे इंद्रदेव बचा लेना, मान रख लेना, थोड़ा सा इज्जत रख लेना। तो हमने अच्छी तरह से पूरी तरह से पूरी सिक्योरिटी के साथ कवर कर लिया है गेहूँ। तो गाइस अभी बूंदे पड़ने लग गई है और आपको मैं छत से व्यू दिखाता थोड़ा सा इलाके का। तो अभी बूंदे पड़ने लग गई है और यह है कुछ नज़ारा सामने का, रुक देखो भाई साहब, इस तरफ को तो और भी ख़तरनाक, मंदिर साइड को भाई। प्याज भी आ गया, ट्रैक्टर को मैंने यहीं पे छुप दिया क्योंकि इसमें हमने टायर नहीं लगाए थे, तो यहाँ पे टायर के टूटने का डर है, इसी वजह से इसमें डबल लेयर प्रोटेक्शन पहले इसे कट्टा डाला है, उसके ऊपर से टिन का टुकड़ा डाला है बहुत ही बड़ा वाला, जो कि इसके मेन जगह पर है जिससे यू भीगेगा नहीं, ऊपर से इतना बड़ा कपड़ा डाल रखा है। साउंड भाई साहब